सो अभी हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल अगर लेंथ 30 सेंटीमीटर हो और ब्रेथ जो है वो 18 सेंटीमीटर हो। तो इसमें हम लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, तो 30 को इंटू कर देंगे 18 से। और हमें पता है कि यहाँ पे 0 है तो 0 लिखेंगे, 18 को 3 से इंटू करने पे 54 आएगा, तो ये 540 बन जाएगा। यूनिट्स हमारे पास सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर।